जब ऐसा रिकग्निशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. बट यस, आई थिंक माई प्रोसेस ऑफ चूजिंग फिल्म्स हैव ऑलवेज बीन वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट एंड आई इंटेंड कीपिंग इट दैट वे. अभी कबीर खान आए थे, कबीर खान आए थे, उन्होंने 83 के बारे में हैं अंदर. हाँ, अभी उन्होंने 83 के बारे में, आप भी उनसे जुड़ गई हैं इस फिल्म में, रणवीर भी हैं. कैसे हुआ ये संभव? वाज़ योर इंटेंशन? No, Kabir thought of me for the film. It's a very small role, but a very special role, because I feel like the role of a spouse or family is not always given enough credit when you look at athletes and when they win and they perform at such an international on an international stage and platform. और ऐसे ऊंचाइयों तक जब पहुंचते हैं तो फैमिली को बहुत कम रिकग्निशन मिलता है. सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई आई थिंक जो भी अनाउंसमेंट्स हैं वो आप यू विल हियर इट फ्रॉम मी डायरेक्टली. रणवीर के अलावा माधुरी जी, हु एल्स इज परफॉर्मिंग? सारा इज़ परफॉर्मिंग, सलमान इज़ परफॉर्मिंग. बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है जब मैं ऑडियंस में बैठ के इन सबको देखने का मौका मिलता है, तो बहुत मज़ा आता है. आप जो कर रही हैं, छपाक जो भी बना रही है, उसमें आपके कैरेक्टर को आपकी I can't hear you.
हेलो
performance. Yeah, I'm nominated for Razi, so that's why I came. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दैट इट्स होम कमिंग और ऑफ 20 इयर्स है आईफा का सो इट्स अ वेरी वेरी बिग डील सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल आईफा टीम आंद्रे विराफ एवरी वन या और एक्चुअली बहुत खुशी की बात है कि 20th ईयर में होम कमिंग में हम मुंबई आए हैं इट्स रेनिंग बट आई होप इट वॉज नॉट रेनिंग हम लोग वैसे सब गाँव पकड़ के चल रहे हैं बट यहाँ पे शेड है तो ठीक है बट आई सॉ सम पीपल वॉकिंग अराउंड इन द रेन एंड इतना बड़ा प्रोडक्शन होता है टू यू नो गेट एन अवार्ड फंक्शन टुगेदर सो आई जस्ट विश इट वाज़न्ट रेनिंग बट एनीवे जी मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी आई थिंक न्यूयॉर्क में जब हुई थी क्योंकि वो मेरा पहली बार था और मैंने लाइव परफॉर्म किया था सबके सामने इट वॉज अमेजिंग और उस साल में मुझे अवार्ड भी मिला था सो दैट्स माई स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट स्पेशल मेमोरी एक्चुअली दिस इज माई सेकेंड ईयर अटेंडिंग आईफा ना या सेकेंड ईयर मैं एक बहुत पक्की ऑडियंस हूँ मुझे सारे परफॉर्मेंस देखने में बहुत मज़ा आता है आई नो रणवीर इज परफॉर्मिंग उन्होंने ऑलरेडी मुझे बता दिया कि वो क्या कर रहे हैं सो इस परफॉर्मेंस विल बी आउटस्टैंडिंग आई नो एवरी वन सारा विकी सलमान कटरीना लाइक आई वुड लाइक वॉन्ट टू सी ऑल परफॉर्मेंसेज यू हैव बीन ऑल्सो नॉमिनेटेड टू मोस्ट इंस्पायरिंग एक्ट्रेस ऑल्सो ऐसा पता चला कि एक बड़े सही हाँ वो इंटरनेशनली जी इतनी कम उम्र में ये सब उपलब्धि पाना आपके लिए कितना मायने रखता है ऑनेस्टली इट केम टू मी एज अ कंप्लीट शॉक मैं ऑलमोस्ट जब मुझे भेजा गया था आई थॉट इट वाज अ जोक बट आई डोंट नो आई फील अमेजिंग लाइक इट फील्स लाइक अ वेरी सरियल थिंग टू बी नॉमिनेटेड इन दिस कैटेगरी विद you know and it's also from Asia along with so many other very very you know prominent personalities so main khushi hu and it's nice to be inspiring I hope I'm inspiring देखिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विथ संजय लीला बंसाली ऑफ कोर्स वेरी एक्साइटेड टू वर्क विथ सलमान इज वेल मेरा मानना है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाते हैं विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल वैसे कहते हैं अगर भगवान को हंसाना हो तो उनको अपने प्लान्स बता दो प्लान्स नेवर रियली गो एज पर प्लान बट I can give it to you in writing that I'm going to work with Sanjay Leela Bhansali very soon. Thank you so much. Thank you so much. Hopefully with Sita. गुड इवनिंग तो ये है साई मांजरेकर दबंग यस दबंग ये बहुत अच्छी है इसलिए दबंग 3 में इनके फादर दबंग 1 में थे अब बेटी है दबंग 3 में जी बहुत अच्छा है घर के बहुत ही नज़दीक है पास है तो बहुत अच्छा लग रहा है मैं तो बहुत दूर उठ के जाना पड़ता था आईफा में परफॉर्म करने के लिए स्पेशल क्या है
सबको सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं, अभी भी घबराहट होती है परफॉर्म करने में, अभी बहुत घबराहट होती है। जो परफॉर्मेंस जिसके लिए एक्साइटेड था वो कटरीना कैफ का परफॉर्मेंस था, वो देख चुका हूँ और बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, बहुत ही शानदार खूबसूरत। जी पोस्टर आया है, जी इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, लोगों ने पसंद किया ये? जी हाँ जी हाँ, लोगों ने उस पोस्टर को काफ़ी पसंद किया है। आप कुछ कहना चाहेंगे आज पहली बार इंट्रोडक्शन सलमान? आई फील वेरी प्रिविलेज टू बी हियर, इनके वजह से ही मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। यू नो स्ट्रेंज थिंग इज दैट कुछ सालों पहले, बहुत सारे सालों पहले सोनाक्षी भी आईफा में ही इंट्रोड्यूस हुई थी ऑन अ रैंप एंड क्रेज। जी उसी तरह से बुलंदियाँ पाएंगी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, पिक्चर काफी कर जी, अभी इंशाल्लाह नहीं बन रही है, इंशाल्लाह कुछ और बनेगी, मेरे साथ तो नहीं बन रही अभी। जी हाँ, उसका एक डिजिटल पिक्चर या टीजर जो भी है वो आ चुका है और काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है, तो अभी आते रहेगा और 20 दिसंबर को फिल्म रिलीज है, ट्रेलर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो अब आप इनको भी अभी टीवी पे और सोशल मीडिया और पर्दे पर देखो, तो बहुत अच्छा काम किया है। जी हाँ, अभी हो जाएगी बिग बॉस की शुरुआत, बिग बॉस सीजन 13। ईद पर आएगी पिक्चर, जरूर आएगी पिक्चर, जरूर आएगी, अभी तो पहले दिसंबर में आएगी 20 तारीख को, उसके बाद ईद पर ही आएगी। Thank you.